दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, एक पार्टी में 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। देखिए दोस्तों कमेंट कीजिए दोस्तों आपको आता है तो। देखिए एक शादी पार्टी होती है तो जो 10 व्यक्ति है, व्यक्ति कितने हैं 10 हैं। अब हाथ मिलाने वाली बात अगर करें, देखिए दोस्तों हाथ मिलाने वाली बात करें तो जो फार्मूला होगा n n-1/2, ये फार्मूला लगाएंगे। n का मान दोस्तों जितने व्यक्ति होंगे वो लगेगा, यानी कि 10 व्यक्ति हैं और 10 में से एक गया तो 9 बचा, बटा 2, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 5 10 और 5 9 45, 45 बार हाथ मिलाएंगे। कितनी बार मिलाएंगे दोस्तों? 45 बार। अगर यही व्यक्ति अगर गिफ्ट देने की अगर बात करें, गिफ्ट देने की अगर बात करें, अगर वहाँ पीछे कि 10 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कितने गिफ्ट दिए जाएंगे? तो दोस्तों गिफ्ट इसके दुगने दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? दुगने, यानी कि n n-1, इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। तो n का मतलब 10 और 10 में से 9 और 10 9 90। गिफ्ट अगर देने वाली बात करें तो n n-1, ये फार्मूला आप यूज़ कीजिएगा। और 10 में से 9 10 9 90, गिफ्ट दुगने दिए जाते हैं हमेशा। गिफ्ट कितने दिए जाते हैं? दुगने गिफ्ट दिए जाते हैं। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 12 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं तो कुल कितने उपहार दिए जाएंगे? उपहार का मतलब होता है दोस्तों गिफ्ट। उपहार का मतलब क्या होगा? गिफ्ट। तो 12 व्यक्ति देते हैं तो देखिए इसका उपहार, उपहार वाला जो सूत्र अपना है n n-1, इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। तो जो 12 है और 12 में से एक गया तो 11 बचा, 12 एकम 12 का 2 हसीला 1, 12 ने 13, 132 गिफ्ट दी जाएंगे। कितने गिफ्ट दिए जाएंगे? 132 गिफ्ट दिए जाएंगे। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।